मुंबई शहर में स्थित एक शानदार 25 मंजिला बिल्डिंग क्रिस्टल अपार्टमेंट। ये एक हार्ड क्लास मॉडर्न एरिया है। शाम के समय 11th फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में किटी पार्टी चल रही थी। फ्लैट के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। फ्लैट के अंदर कुछ औरतें सोफे पर बैठी थी और एक औरत रसोई से उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आ रही थी, वो भी जिया, सांवले से भी ज्यादा गहरा रंग, मोटी तोंद और हमेशा सूट पहने रहती थी। दिखने में कुछ खास नहीं, उम्र लगभग 27 साल। उसे देखकर पता चल रहा था वो ज्यादा मॉडर्न नहीं है। सोफे पर 7 से 8 महिलाएं बैठी थी। जिया एक चेयर लेकर आती है और उस पर बैठ जाती है और कहती है, आप लोग पहली बार मेरे घर आई हैं और कुछ खा भी नहीं रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा। खाने की प्लेट उठाते हुए उनकी पड़ोसी मिसेस सक्सेना कहती हैं, बस बस बहुत है इतना। वैसे एक बात बताओ, तुमने अभी तक अपने फ्लैट को सेट क्यों नहीं किया? तुम्हें आए हुए तो 1 महीना हो चुका है ना? जिया कहती है, दरअसल मैं यहाँ पर बस 3-4 महीनों के लिए ही आई हूँ। हमारे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे हस्बैंड तो जिम में ट्रेनर है ना, तो तुम इतने महंगे अपार्टमेंट में कैसे रह रही हो? मिसेस सक्सेना जिया पर तंज कसते हुए कहती है, दरअसल उनके जिम में सोनिया अग्रवाल आती है, उसको तो शायद आप जानती हो, इस अपार्टमेंट के आनर की बेटी है। वो मेरे हस्बैंड से काफी क्लोज है, तो जब उन्होंने बताया कि हमें कुछ टाइम के लिए फ्लैट चाहिए तो उन्होंने हमें यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए कह दिया, और यहाँ पर हमारा किराया भी नहीं लगता, इसलिए हम लोग 4 महीने के लिए यहीं पर शिफ्ट हो गए। जिया एकदम शांति से जवाब देती है, तब तो बहुत ऐसा है तुम्हारे, मिसेस सक्सेना कहती है। इस बात पर जिया मुस्कुरा देती है। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिया का पति मिस्टर सियान घर आता है। सियान, जिसकी हाइट लगभग 6 फुट, लंबे बाल जिसको उसने बांध रखा था और उसकी खासी दाढ़ी उसकी उम्र की लगभग 28-29 की होगी। उसे लगभग साफ पता चल रहा था वह जिम में ट्रेनर है। सभी औरतों को वो अपने घर पर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आज यहाँ पर किटी पार्टी चल रही है? तभी मिसेस चतुर्वेदी, जो इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी की पत्नी है, खिलखिलाते हुए कहती हैं, हाँ आज हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर पार्टी की जाए, आपके घर को भी अच्छे से देख लेंगे और आपको भी, वो धीरे से बोलती है। उसकी बात पर सियान कहता है, क्या मैंने सुना नहीं? मिसेस चतुर्वेदी शर्माते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस आपके घर को देखने आए थे। उसकी बात पर सियान मुस्कुरा देता है। वहां पर बैठी सभी औरतें सियान को ही ध्यान से देख रही होती हैं, क्योंकि वो सच में दिखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। सियान जाकर अपनी पत्नी से कहता है, प्लीज तुम मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे अभी नहाना है, मैं बहुत थक गया हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और जिया भी उसके पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद सभी औरतें आपस में खुसुर खुसुर करने लग जाती हैं। यार इस जिया को देखो, ये दिखने में कैसी है, और वो सियान कितना स्मार्ट, कैसे मिल गया इसे। काव्या, जो इसी बिल्डिंग में रहती है, थोड़ी चिढ़ती हुई सी कहती है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, काश ये हमारे नसीब में होता। लैला, काव्या की दोस्त, और वो भी इसी बिल्डिंग में रहती है, थोड़ी मायूसी से कहती है। फिर सभी औरतें आपस में बातें करने लग जाती हैं। तभी जिया आती है और उनके पास बैठ जाती है। वह कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। तभी काव्या जिया से कहती है, वैसे एक बात तो है जिया, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो मिस्टर सियान जैसा हैंडसम पति तुम्हें मिला है। जिया इस बात पर मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ यही फायदा है अरेंज मैरिज का, घर वालों ने ही ढूंढा है सियान को। वैसे एक बात तो है, इतना हैंडसम पति हो तो कोई ना कोई तो फ्लर्ट करता ही होगा, और क्या पता किसी से पिघल भी जाए। वहीं बैठी औरतों में से एक औरत जिया से कहती है। इस बात पर जिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा यकीन है मेरे हस्बैंड पर, भले ही उनके जिम में कितनी ही सुंदर लड़कियां क्यों ना हो और कोई कितना भी ट्राई कर ले,
पटाने के लिए वो कभी किसी को भाव नहीं देती। ओहो, तो तुम्हें इतना यकीन है अपने हस्बैंड पर? तुम्हें क्या पता उन्होंने कभी किसी को भाव ना दिया हो, इस बार काव्या जोश में कहती है। जिया, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे अलावा कभी किसी की तरफ देखते भी नहीं है, तो किसी के फ्लर्ट करने से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हें इतना यकीन है तो ठीक है, प्रूव करके दिखाओ हमें। मैं काफी टाइम से इस बिल्डिंग में रह रही हूँ और यहाँ काफी लड़कों को तो मैंने खुद पटा रखा है, काव्या जिया से कहती है। जिया कहती है, तो ठीक है लकी सर, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देती हूँ, तुम ट्राई कर लो जितना कर सकती हो। अगर सियान तुमसे इम्प्रेस हो जाता है तो तुम्हारे साथ किसी होटल में खाना खाने चले जाते हैं, तो मेरी तरफ से तुम्हें 20,000 मिलेंगे। क्या? वहां बैठे सभी औरतें चौंक जाती हैं। उन औरतों में से एक औरत कहती है, जिया ऐसी गलती मत करो, क्या पता तुम्हारा हस्बैंड सच में पिघल जाए। 20,000 तो जाएंगे जाएंगे, साथ में तुम दोनों की रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। जिया थोड़ा अकड़ कर कहती है, मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा बिलीव है, वो किसी से भी फ्लर्ट नहीं करने वाले, चाहे जितना भी ट्राई कर लो, और मैं तुम्हें एक हफ्ता दे रही हूँ, मुझे लगता है इतना तुम्हारे लिए बहुत है। काव्या भी अकड़ कर कहती है, एक हफ्ता ये तो बहुत है मेरे लिए, देख लेना एक हफ्ते में उनके साथ मैं होटल में खाना खाने चली गई, उन्हें इम्प्रेस कर लिया तो सिर्फ पैसे ही नहीं उनके साथ एक रात बिताने को भी मिलेगी। ठीक है, अगर उन्हें इम्प्रेस कर लो तो रात और दिन दोनों बिता लेना, जिया ने भी अकड़ में जवाब दिया। मिसेस सक्सेना कहती हैं, अरे होटल में खाना खाना कौन सी बड़ी बात है, किसी भी बहाने से लेकर चली जाएगी सियान को। जिया, पहली बात तो अगर मेरे हस्बैंड इनके साथ में जाएंगे तो वो मुझे बताकर ही जाएंगे, और दूसरी बात वहाँ की रिकॉर्डिंग भी करना कि तुम लोगों ने क्या बात की, तभी पता चलेगा। फिर वह सब अपने घर चली जाती है। जाते जाते काव्या जिया से कहती है, मगर याद रखना शर्त के बारे में, तुम सियान से कुछ नहीं कहोगी, वरना इस बात का कोई मतलब नहीं रहता कि वह इम्प्रेस होते हैं या नहीं। ठीक है, मैं तुम सब लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस बारे में सियान को कुछ भी नहीं कहूंगी, अब तुम भी तैयार रहना शर्त हारने के लिए, जिया काव्या को आंख दिखाते हुए कहती है। वह तो देख लेंगे कौन जीतेगा और कौन नहीं, काव्या एक तिरछी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शायद काव्या की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि उसके सास ससुर एक हफ्ते के लिए उनके पास रहने के लिए आ चुके थे, इसलिए काव्या सियान पर ज्यादा ध्यान न दे सकी। मगर जब भी वह सियान से मिलती उससे बात करने की कोशिश करने लगती। ये बात उसकी आस पड़ोस की महिलाएं भी देख रही थी और वो भी ये जानने को उत्सुक थी कि क्या सच में सियान उससे इम्प्रेस हो पाएगा। सियान को समझ में नहीं आया कि अचानक से मिसेस काव्या उस पर इतना ध्यान क्यों देने लगी। फिर भी जब भी वह उससे मिलती तो सियान उसे देखकर मुस्कुरा देता। आस पड़ोस की महिलाओं को और खुद काव्या को भी यही लगने लगा कि सियान उससे जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। अगर उसके सास ससुर नहीं आते तो वह और ज्यादा कोशिश करती और शायद उसे इम्प्रेस कर लेती। अब ये कितना सही है कितना नहीं पता नहीं, क्या पता वह इम्प्रेस होता है या नहीं। यूं ही एक हफ्ता बीत गया और काव्या कुछ ना कर सकी। अगली किटी पार्टी काव्या के घर पर ही हुई, सभी महिलाएं एक साथ बैठी थी। तभी मिसेस चतुर्वेदी कहती हैं, बुरा लगा तुम्हारे लिए काव्या, तुम्हें एक हफ्ते का मौका मिला और तुम शर्त हार गई। अगर तुम्हारे सास ससुर नहीं आते तो क्या पता तुम शर्त जीत भी जाती। मिसेस आहूजा कहती हैं, मगर मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा कर पाती, क्योंकि मिस्टर सियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। काव्या चिढ़ते हुए बोली, ये सब मेरे सास ससुर की वजह से हुआ है, अगर वह लोग यहाँ नहीं आते तो मैं जरूर सियान को इम्प्रेस कर लेती। जिया, अब वो सब मुझे नहीं पता, मैंने दिया था तुम्हें मौका मगर तुम कुछ नहीं कर पाई, तो शर्त मैं जीत गई। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है और मजबूरन काव्या को रुपए देने पड़ते हैं। ये सब देखकर लैला मुस्कुराती है और कहती है, एक बात तो है, सच में काव्या के सास ससुर नहीं आते तो वो पक्का शर्त जीत जाती और इसकी तो लॉटरी खुल जाती। रुपए तो रुपए, साथ में मिस्टर सियान के साथ एक रात बिताने को मिलती, अब तो मुझे लगता है मुझे भी शर्त लगा ही लेनी चाहिए। उसके साथ साथ पड़ोस की दो महिलाएं भी कहती हैं, ऐसे शर्त नहीं लगाएंगे,
एक एक करके, क्योंकि जिया तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आई है और हम भी इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहते। एक काम करते हैं, इस बार हम तीनों साथ में शर्त लगाते हैं, देखते हैं हम तीनों में से कौन जीतता है। जिया कहती है, ये सब क्या है, वो मेरे हस्बैंड है, ऐसे बार बार शर्त नहीं लगा सकती, एक बार लगाने का ये मतलब नहीं है बार बार लगाएंगे। लैला, क्यों, इतने में ही भरोसा खत्म हो चुका है, तुम्हें इतना ही यकीन है अपने पति पर कि एक बार शर्त लगाई और दोबारा नहीं लगा सकती, तो सीधे सीधे शर्त हार जाओ और तैयार हो जाओ शर्त पूरी करने के लिए। पता है ना शर्त क्या है, पैसे नहीं भी दोगी तो भी चलेगा, मगर रात की बात तो माननी पड़ेगी। जिया, तो ठीक है, शर्त लगाने को तैयार हूँ मैं, मगर इस बार शर्त बड़ी लगेगी। लैला, हाँ हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हार गई तो सोच लेना, इस बार हम तीनों को पैसे देने पड़ेंगे और रात भी हम तीनों अलग अलग बिताएंगे। सोच लो कितना यकीन है तुम्हें अपने पति पर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मिसेज करपट ने, जिन्होंने शर्त लगाई थी, कहती हैं, हाँ सही बात है, फिर ये मत कहना कि मैं अपने पति को दे नहीं सकती। जिया, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपने पति पर, सियान सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, फिर शर्त लगी, ठीक है, तो इस बार एक काम करते हैं, तीनों अलग अलग 50,000 की शर्त लगाते हैं। मिसेज आहूजा कहती हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है इस चीज से। लैला थोड़ा घमंड में कहती है, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, ठीक है तो लगी शर्त। जिया कहती है, मिसेज आहूजा, इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम तीन हैं, इसलिए हमें 10 दिन तो चाहिए ही, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन नहीं, तुम्हें 12 दिन देती हूँ, ट्राई कर लो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पैसे तो जरूर दे देना मुझे, और इस बात को गांठ बांध लेना कि मेरे पति सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। जिया थोड़े रोब से कहती है और अपने 20,000 लेकर वहां से चली जाती है। बाकी औरतें अपनी बातें करने लग जाती हैं, देख लेना इस बार तो हम तीनों मिलकर उन्हें फंसा ही लेंगे। लैला हंसती हुए कहती है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा इम्प्रेस हो गए। मिसेज करपट ने अकड़ कर कहती है, लैला वो तो वक्त ही बताएगा। मिसेज आहूजा, किससे होते हैं ये तो देख लेंगे 12 दिन बाद, लेकिन ध्यान रख लो अपना टाइम फिक्स कर लेना, जब मैं बात करूं तो तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। फिर वो लोग अपना अपना टाइम डिसाइड करके अपने अपने घर जाते हैं और प्लानिंग करते हैं सियान को फंसाने की और इस शर्त को जीतने की। मिसेज लैला, मिसेज आहूजा और मिसेज करपट ने तीनों मिलकर सियान को रिझाने की कोशिश करने लगी। उन तीनों ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगा दिया, हर समय सियान के आगे पीछे मंडराती रही। मिसेज लैला ने तो सियान के जिम तक को ज्वाइन कर लिया ताकि सियान से हर वक्त मिलती रहे, मगर सियान ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, वह सब उसे एक पड़ोसन की नजर से ही देखता था। मिसेज लैला को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, मगर 12 दिनों के अंदर वो घमंड चूर हो चुका था। उनकी खूबसूरती का जाल मिस्टर सियान पर नहीं चला और जब 12 दिन बाद वो सब मिले तो उन तीनों के मुंह लटके हुए थे, क्योंकि वो शर्त हार चुकी थी। उन्हें पैसे खोने का इतना बुरा ना लगा जितना सियान को ना पाने का लगा, क्योंकि इससे उनकी पड़ोसियों को उन पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। इस बार उनकी किटी पार्टी में एक नई सदस्य आई हुई थी, वो थी मिसेज अमाया। जिया, तो कैसा लगा तुम्हें शर्त हार कर? अब तो समझ में आ गया ना कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो इस तरह की शर्त मुझसे ना लगाया करो। मिसेज आहूजा, हाँ मान गए तुम्हारे पति को, वो बस तुमसे ही प्यार करते हैं, हमारी कोई भी तरकीब काम ना आई। मिसेज करपट ने, यहाँ तक लैला ने तो उनके जिम को भी ज्वाइन कर लिया, मगर उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, बस हमेशा भाभी जी यही बोलते रहते थे। मिसेज लैला तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था अब कुछ भी कहना गलत होगा। फिर वो तीनों जिया को पैसे दे देती हैं। जिया मुस्कुराते हुए पैसे लेती है, तभी मिसेज अमाया कहती है, क्या बात है, कैसी शर्त, कोई मुझे भी तो बताओ। काव्या,
अमाया को उनके बीच में लगी सर्द के बारे में सब कुछ बताती है। अमाया, इंटरेस्टिंग, आखिर कौन है ये? मैं भी मिलना चाहूंगी इसके पति से। कौन है ये ऐसा इंसान जिसके पीछे तुम सब लगी हुई हो और वह तुम्हें भाव भी नहीं देता? अरे तुम भूल गई क्या, अभी आते वक्त तो लिफ्ट में देखा था, वही थे मिस्टर सियान, मिसेज आहूजा कहती हैं। ओ, अमाया टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, वो हैंडसम है जिया का पति? तब तो मैं भी शर्त लगाना चाहूंगी। काव्या, रहने दो अमाया, शर्त हार जाओगी और वैसे भी तुम्हारे पति कितने शक्की हैं, ऐसा कुछ करने की सोचोगी तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अमाया, तुमसे गलती हो रही है, मेरे पति शक्की थे लेकिन अब उन्हें मैं डाइवोर्स दे दी हूँ, अब मैं एकदम फ्री वर्ल्ड हूँ। लैला, ओ तो अब तुम आजाद हो अपनी सारी हरकतों को करने के लिए? अमाया, हाँ अब एकदम आजाद हूँ, अब मुझे कोई रोक टोक नहीं करने वाला। जिया, ओ हो, तुम्हें लगता है तुम मेरे पति को पटा सकती हो? हाँ ऑफ कोर्स, अमाया घमंड से कहती है, और उसे घमंड होना भी लाजमी है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लंबी हाइट, लंबे बाल, भूरी आंखें, दिखने में बिल्कुल मॉडल सी थी। मिसेस करपट ने, देखो जिया, हमें पता है तुम्हारे पति बहुत शरीफ हैं, वो तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखते, मगर तुम अमाया को कम मत समझना, ये अपार्टमेंट के हर उम्र के आदमियों को फंसा चुकी है, वह भी तब जब इसके पति थे, अब तो इसने डाइवोर्स ले लिया है, अब तो भगवान ही बचाए तुम्हारे पति को इससे। जिया, मेरे पति किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके डाइवोर्स लेने या ना लेने से। अमाया, तो ये बात है, ठीक है तो फिर एक ट्राई मुझे करने को दो, मगर शर्त ये भी रहेगी इस बार तुम यहाँ नहीं रहोगी, क्योंकि मुझे लगता है तुम यहाँ रहती हो इसीलिए ऐसा होता है, तुम्हारे पति किसी और पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक काम करो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस एक हफ्ते का टाइम चाहिए, एक हफ्ते के लिए तुम कहीं और चली जाओ। भला मैं क्यों अपने पति से दूर रहूं? जिया थोड़े गुस्से में कहती है। अमाया, क्योंकि मैं शर्त भी तो बड़ी लगाऊंगी और टाइम भी ज्यादा नहीं ले रही, शर्त होगी पूरे 5 लाख की। क्या? सभी औरतें असमंजस में पड़ जाती हैं। हाँ वैसे भी अभी अभी मेरा डाइवोर्स हुआ है, मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ और इतनी बड़ी शर्त लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसको इतने कॉन्फिडेंट में देखकर 2-3 महिलाएं और भी शर्त लगाने को तैयार हो जाती हैं। वो कहती हैं, हम तो सियान को रिझाने का काम नहीं करेंगे, मगर अमाया की तरफ से शर्त जरूर लगा सकते हैं कि वही जीतेगी। जिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहो शर्त लगाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ से दूर भी रहूंगी तो भी तुम में से किसी का भी जादू नहीं चलेगा। इस तरीके से शर्त की राशि बढ़ जाती है और वह 6 लाख तक हो जाती है। शर्त लगाकर जिया कहती है, ठीक है मैं एक हफ्ते के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी, एक हफ्ते का वक्त तुम्हें दिया। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है और सच में वह अपना कुछ जरूरी सामान लेकर और अपने पति को बाय बोलकर एक हफ्ते के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद सारी महिलाएं अमाया से कहती हैं, सच बताओ क्या प्लानिंग है तुम्हारी, मुझे लगता है तुम उसे रिझा सकोगी। अमाया, ये बात तुम लोगों से बेटर कौन जानता है, मैं किसको रिझा सकती हूँ और किसको नहीं, मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने पतियों से पूछ लेना। और वो जोर से हंस देती है, मगर ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो, मिसेस करपट ने कहती हैं। काव्या, हाँ तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया होगा? हम लोगों ने भी बहुत ट्राई किया मगर कुछ नहीं हुआ। लैला, काव्या का तो फिर भी समझ में आता है, उसके सास ससुर थे, मगर मैंने तो उसके जिन तक में जाकर उसका पीछा किया मगर कुछ नहीं मिला। अमाया, तभी तो कहती हूँ तुम लोग बुद्धू हो, उसकी पत्नी जब तक यहाँ थी तब तक जरूर उसे पटाना मुश्किल होगा, क्या पता वह उसे शर्त के बारे में बताती होगी, इसलिए वह पिघलता नहीं है। अब एक हफ्ते के लिए वह दूर है तो मैं जरूर उसे पटा लूंगी और तुम लोग मेरा साथ दो, तुम्हारे पैसे और इज्जत दोनों लगी हुई है इस पर। ये कहकर सभी औरतें अपने घर को चली जाती हैं।
माया सियान को रिझाने के लिए सोचने लगी। वो किसी भी हाल में सियान को अपने काबू में करना चाहती थी। उसे शर्त जीत कर अपनी खूबसूरती का घमंड भी करना था और साथ ही साथ अब वो डाइवोर्स ले चुकी थी। उसे अपने साथ एक आदमी की जरूरत थी, इसीलिए वो तरकीब सोचने लगी। वो सियान को अच्छे से जानती नहीं थी या फिर उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि उसे लगा वो शर्त जीत जाएगी, लेकिन उसका सारा घमंड चूर हो चुका था। सियान ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन जब उसे लगा कि वो शर्त हार जाएगी, तो शर्त के आखिरी दिन वो सियान से लिफ्ट में मिली और सियान से कहने लगी, आपको एक बात कहनी थी। सियान, कहिए क्या कहना है। अमाया, वैसे आप बहुत अच्छे हैं, मगर आपको पता नहीं आपकी पत्नी आपके पीठ पीछे क्या क्या कर रही है। क्या? सियान असमंजस में पूछता है, वो आपकी पत्नी है? क्या उसने कुछ नहीं बताया? वो आपके हुस्न पर शर्तें लगाती है और उसने खूब सारे पैसे भी कमा लिए अब तक तो। क्या? सियान एकदम से शॉक हो जाता है। अमाया, हाँ सच कह रही हूँ मैं, हमारे ग्रुप में सब शर्त लगाते हैं, मगर आपकी पत्नी ने तो आपके ऊपर शर्त लगा रखी है कि जो भी आपको अपने जाल में फंसा लेंगी उसके साथ आपको रात बिताने का मौका मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता, सियान थोड़ी गुस्से में कहता है। अमाया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने भी लगाई थी, मैंने भी शर्त लगाई, क्योंकि मैं तो बस ये जानना चाहती थी आखिर वो सब आप पर शर्त क्यों लगाती हैं। सियान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और गुस्से में सीधा अपने फ्लोर पर उतर जाता है। अमाया उसके पीछे चली जाती है और कहती है, बहुत बढ़िया शर्त लगाई है इस बार, पूरी 6 लाख की मैंने, उसे मिलेंगे सारे रुपए, मगर मेरे पास एक अच्छी डील है। सियान, क्या कहना क्या चाहती हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा है ना, अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप बस एक बार मेरे साथ होटल में खाना खाने चलिए, उसके बाद मैं शर्त जीत जाऊंगी और आपको माला माल कर दूंगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। शुक्रिया, मगर मुझे इन सब का हिस्सा नहीं बनना है। और वो अपने फ्लैट में आ जाता है। अगले दिन जब जिया घर पर आती है तो सियान उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसे कहता है, क्या तुम मुझ पर शर्त लगाया करती थी? वो अपने और अमाया के बीच की सारी बातचीत जिया को बताता है। जिया अपने आप को संभाल कर कहती है, ये शर्त मैंने उनका मुंह बंद करने के लिए लगाई थी। उन्हें लगता है कि आप इतने सुंदर हो तो आप किसी पर भी फिदा हो सकते हो। उन्हें अपनी खूबसूरत पर बहुत घमंड था, वो मैं वही तोड़ना चाहती थी। इस तरीके से वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है। सियान उसे कहता है, अगली बार मत लगाना, कह देना शर्त लगाओगे तो शर्त हार ही मिलेगी, क्योंकि अब मेरे पति को पता चल चुका है तो शर्त लगाने का कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, ये कहकर जिया वहां से चली जाती है। जिया किटी पार्टी में जाकर सबको बताती है कि अमाया शर्त हार चुकी है और साथ में ही उसकी लिफ्ट में की गई हरकत भी सभी को बताती है। जिया कहती है, सियान को हमारी शर्त लगाने की बात के बारे में पता चल चुका है। सियान ने आप लोगों के लिए ये भी कहा है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि लगाओगे तो भी हार ही मिलेगी। उन्हें पहले पता नहीं था, तब भी कोई शर्त नहीं जीता, पता चल गया है तो कोई जीत भी नहीं पाएगा, इसलिए ऐसी गलती करने का कोई फायदा नहीं है। ना तो आप अपने पैसे बर्बाद करो और ना ही इज्जत खराब करो। इतनी बातें कहने के बाद जिया वहां से अपने पैसे लेकर घर आ जाती है। जिया के जाने के बाद वो सब मायूस बैठी रहती है, खासकर अमाया। थोड़ी देर बाद किटी पार्टी में उस अपार्टमेंट के सेक्रेटरी आते हैं और वे अपनी पत्नी से कहते हैं, हमारे अपार्टमेंट में रहने के लिए एक नई लड़की आई है, कायनात। ये सिर्फ यहाँ पर 15 दिनों के लिए आई है, ये सोनिया की खास जानकारी से यहाँ आई है, तो तुम इसका ध्यान रखना और हो सके तो इसे भी अपने ग्रुप में 15 दिन के लिए ज्वाइन कर लो, इससे इसका मन भी लगा रहेगा। कायनात एक चंचल सी 23 साल की लड़की, घुंघराले बाल, हाइट भी कोई 5 फुट 6 इंच की समथिंग रही होगी। दिखने में बहुत ही क्यूट सी थी और अपने नाम के अनुरूप सच में कायनात ही थी। वह सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कायनात, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ। दरअसल मुझे सिटी में कोई काम था और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ।
सब लोग उसे अपने बारे में बताते हैं। फिर वो कहती है, क्या हुआ, आप लोग बड़े उदास उदास लग रहे हो आज, मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? मिसेस आहूजा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आओ आओ बैठो, तुम भी हमारे ग्रुप की सदस्य हो। फिर उनका सिंपल सा इंट्रोडक्शन होता है और कायनात अपने रूप में चली जाती है। 3 दिन बाद जिया सभी को अपने घर इनवाइट करती है। आज उसके हस्बैंड सियान का बर्थडे है। सभी लोग खुशी खुशी बर्थडे में शामिल होते हैं। भले ही बीते दिनों में उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो सियान को देखने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मिसेज आहूजा कायनात को भी अपने साथ उनके यहाँ लेकर जाती है। कायनात सियान को देखते ही बस उसी में खो जाती है। वो लैला से कहती है, इसके हस्बैंड कितने हैंडसम है, ये तो कुछ खास नहीं है दिखने में, वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है। लैला, पता नहीं क्या खास है और क्या खास नहीं, इसके पति बस इसी के दीवाने हैं, वो किसी को भाव तक नहीं देते, अब तो सियान को देखकर ही अपनी आंखें सेक लेते हैं। उसकी इस बात पर उसके आसपास खड़ी महिलाएं मायूस हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी किसी न किसी तरीके से सियान पर ट्राई कर चुकी थी और उन्हें हार ही मिली थी। मगर कायनात को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सियान को ही घूरे जा रही थी। वह उसे फर्क नहीं पड़ता कि महिलाएं उसे नोट कर रही थी, वो सियान के करीब जाने का मौका छोड़ ही नहीं रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही वो सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, अमाया कहती है, एक काम करो, कायनात को उसके फ्लैट पर छोड़कर तुम सब मेरे फ्लैट पर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है तुम लोगों से। ठीक है, सब लोग यही कहते हैं। वो जिया के घर से जाने के बाद सभी लोग कायनात को छोड़कर अमाया के घर चले जाते हैं। कायनात, इसीलिए तो मुझे लगता है इतने हैंडसम है वो, जिम में ट्रेनर भी है, तो पक्का उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। जिया, नहीं ये सच नहीं है, तुम्हें गलत लगता है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और उनकी लाइफ में सिर्फ एक मैं ही लड़की हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है वो किसी को भी देखकर तुरंत पिघलने वालों में से हैं। तभी तो जिस दिन मैं आपके घर आई थी मुझे भी यही लगा था कि वो बस मुझे ही देख रहे हैं। ओ, तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें देख रहे थे, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। बच्ची? और मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये बात प्रूव भी कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हो, करके बताओ। मैंने सुना है यहाँ पर सब लोग शर्त लगाते हैं आपके पति को लेकर, तो मैं भी सोच रही हूँ इस बार शर्त लगाने की। तो क्या इन्होंने तुम्हें सारी बात बता दी? हाँ, मुझे सब पता है, मैं तो फिर भी शर्त लगाऊंगी ही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो लगाओ शर्त, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हार गई तो पैसे तुम्हारे जाएंगे, ठीक है? वैसे कितने की शर्त लगाओगे तुम इस बार, कायनात पूछती है। मेरे पास पैसे कम है, इसलिए मैं बस 10,000 की शर्त लगाऊंगी, जिया मायूसी से जवाब देती है। सभी औरतें उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर बीच में ही मिसेस करपटनी कहती हैं, वैसे एक बात तो है, मैं तो जिया की ही साइड हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से पिघल जाएंगे, इसलिए मैं तो जिया की तरफ से शर्त लगाऊंगी, बोलो तुम्हें मंजूर है? वो कायनात से कहती, हाँ मुझे मंजूर है, तुम लगाओ, चाहे यहाँ बैठी सभी औरतें लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मैं हारी तो मैं तो सबको पैसे दे सकती हूँ, कायनात कहती है। ठीक है, तो फिर हम सब जिया की साइड है, ऐसा कहके लैला, मिसेज आहूजा, काव्या, अमाया और भी कुछ महिलाएं, सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट जिया की साइड से लगाती हैं, और इस बार की शर्त कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, पूरे 15 लाख की। जिया, देख लो कायनात, क्या तुम 15 लाख दे सकती हो? अगर नहीं है तो अभी हार मान लो। कायनात, 15 लाख बहुत छोटी अमाउंट है, आराम से दे सकती हूँ। जिया, ठीक है, तो फिर एक हफ्ते का टाइम दिया तुम्हें। कायनात, हाँ वैसे भी मेरे पास इतना ही टाइम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शर्त लगाने के बाद सभी महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं। कायनात और जिया के अलावा सभी औरतें एक साथ बैठी होती हैं और खुशी मनाती हैं। अरे वाह, अब तो हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, और उस कायनात का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा, अमाया कहती है। अगले एक हफ्ते तक कायनात सियान के आगे पीछे मंडराती रहती है। उसके चुलबुले स्वभाव के कारण सियान भी उससे बातें करने लगता है। एक हफ्ते बाद
सभी लोग कायनात के घर पर मिलते हैं। जिया घमंड से कहती है, क्यों, क्या हुआ, हार गई ना सर, अब हम सबके पैसे दो। हाँ सही कहा था तुमने, तुम्हारे पति को पटाना इतना आसान नहीं है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पति को नहीं फंसा सकती? ये कहकर कायनात अपना मोबाइल निकालती है और उसमें एक वीडियो चालू करती है जिसमें सियान और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे हाथों में हाथ डालकर। सियान कह रहा था, फाइनली अब मुझे लगा है कि मेरी जिंदगी सिर्फ जिया के साथ नहीं चल सकती। तुम उससे कितनी अलग हो, कितनी सुंदर हो, तुम्हारी बातें मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आई। सच बताओ तुम ये सब शर्त के लिए तो नहीं कर रही है ना? बिल्कुल भी नहीं, कायनात कहती है, तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए और हम यहाँ से चलकर शादी जल्दी ही करेंगे। ठीक है तो फिर हम लोग 2 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे। फिर वीडियो बंद हो जाता है। कायनात अपना मोबाइल ले लेती है। जिया ये सब झूठ है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं हो सकता, ये वीडियो नकली है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वह उस पर हमला करती है। सभी औरतें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, उसे बहुत समझाती हैं कि देखो तुम अपने पति से बात करो। कायनात कहती है, तुम बात कर लेना जब भी तुम चाहो, पहले मुझे मेरे पैसे दो। अब मैं शर्त जीत चुकी हूँ। सभी महिलाओं के चेहरे उतर जाते हैं। उन्होंने ये सोचकर शर्त लगाई थी कि उन्हें पैसे मिलेंगे, मगर उल्टा वो ज्यादा पैसे हार चुकी थी। जिया उसे पैसे लाकर देती है और अपने घर पर चली जाती है। सारी महिलाएं भी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। गम तो इस बात का है, सियान कायनात के हाथ लग जाएगा। अमाया बहुत ही गुस्से में कहती है, सही कहा तुमने, हमें तो लगा था वो किसी की बातों में नहीं आने वाला, मगर कायनात ने तो उस पर जादू कर दिया, लैला गुस्से में कहती है। फिर वो सभी महिलाएं अपने घर से पैसे लाकर कायनात को दे देती हैं। शाम के समय जब सियान अपने घर वापस आता है, उसकी और जिया की खूब बहस होती है। उनके फ्लैट से बाहर तक आवाजें आती हैं। जिया उससे बहुत नाराज होती है और वे जल्दी फ्लैट छोड़ने की बात करती है। वो अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। सभी महिलाओं को इस बात का दुख भी होता है क्योंकि उन्हें पता है जिया सियान से बहुत प्यार करती है, मगर उन्हें ज्यादा दुख इस बात का था अब सियान भी यहाँ से चला जाएगा। अगले दिन सियान भी वहां से चला जाता है। अगले दिन सब महिलाएं कायनात के घर पर बैठी थी। कायनात बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वो कहती है, मुझे दुख है इस बात का कि वो दोनों अलग हो गए, मगर मैं क्या करूं, उसे शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, अपने पति पर कुछ ज्यादा ही घमंड था उसे। अब तुम्हारे मजे हो गए, इतने पैसे जो मिल गए हैं, मिसेज आहूजा कहती है। हाँ इसमें गलत भी क्या है, मैंने मेहनत की थी, उसके बदले मुझे पैसे मिले हैं, मगर दुख तो इस बात का है सियान को पता चल गया इस बारे में, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे अब भी बात करेगा? अमाया अनमने ढंग से कहती है, क्या फर्क पड़ता है बात करे या ना करे, मेरे पास अब पैसा है, अब मैं तो घूमने जाऊंगी। कायनात खुशी से कहती है। उनकी किटी पार्टी खत्म होती है और इसके साथ ही साथ कायनात के वहां रुकने का समय भी खत्म हो जाता है। 2 दिन बाद वे वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद एक बहुत ही आलीशान होटल में 2 लोग आमने सामने बैठे थे। एक थी कायनात और एक था सियान। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और बातें कर रहे थे। सियान कहता है, तो चलो अब हम लोग कहीं और चलते हैं। कायनात, हाँ सही कहा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। वह दोनों आपस में बतिया रहे होते हैं, तभी सामने से एक सुंदर सी महिला आती है। उसने ग्रीन कलर की शॉर्ट्स और ब्राउन कलर की स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी थी। उसके हाई बूट्स काफी अच्छे लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। वह अपने बालों में हाथ घुमाते हुए सीधा उसी चेयर पर जा रही थी जहाँ पर सियान और कायनात बैठे थे। वो जाकर सियान को पीछे से हक कर लेती है और कहती है, ओ मेरी जान, फाइनली अब हम आराम से मिल सकते हैं और मैं वापस अपनी असली गेटअप में रह सकती हूँ। थक गई थी मैं सूट पहन पहन के, और खासकर वो नकली पेंट लगाना तो बहुत ही मुश्किल था, अब लग रहा है जैसे असली जिया आ चुकी है। सियान, ओ माई डार्लिंग, आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। कायनात, कैसी हो दीदी, वैसे इस बार तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया। जिया उनके साथ बैठ जाती है और कहती है, क्यों ना बनाऊं प्लान, इतना हैंडसम पति हो तो कुछ भी फायदा उठाना चाहिए उसका।
सियान कहता है, वैसे इस बार बहुत अच्छी लॉटरी जीती है हमने, इतना पैसे तो पहले कभी नहीं कमाए। जिया, भला हो उस अमाया का, उसने ही तो तुम्हें सर्द के बारे में बता दिया और मैंने तुरंत ही कायनात के साथ मिलकर अलग प्लान बनाया। फिर वो तीनों खिलखिलाकर हंसते हैं। वो समय जब जिया एक हफ्ते के लिए अपने अपार्टमेंट को छोड़ जाती है। जिया, हाय, कैसी हो कायनात? कायनात, आइए दीदी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। आप यहाँ अचानक से कैसे? क्या हुआ, सब सही तो चल रहा है ना? हाँ, सब सही चल रहा है, मगर इस बार सर्द की वजह से मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते मेरे साथ रह लीजिए। वह दिन जब अमाया सियान को सर्द के बारे में बताती है, सियान जिया को कॉल करके कहता है, तुम्हें पता है जिया, अमाया ने मुझे आज तुम्हारी लगाई सर्द के बारे में बताया है, मगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है अब कोई और सर्द नहीं लगाएगा, यह आखिरी सर्द है इस अपार्टमेंट में। जिया कायनात की तरफ देखकर कहती है, नहीं नहीं, यह आखिरी नहीं है, अब तो एक और सर्द लगेगी, वो भी बहुत बड़ी। मैं तुम्हें सब बताती हूँ थोड़ी देर बाद। जिया फोन कट करके कायनात से कहती है, तो क्या तुम बनोगी हमारी सर्द का हिस्सा? कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। कायनात कहती है, जिया देखो, अमाया नाम की औरत है, उसने सियान को सर्द के बारे में बता दिया, तो कल मैं जाकर सबको ये कहूंगी कि अमाया की वजह से अब कोई और सर्द नहीं लगेगी, और मेरे पति ने कहा है कि अब सर्द लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो सर्द किसी को जीतने नहीं देंगे। इस तरीके से सबको यही लगेगा कि जो भी शर्त लगाएगा वो हारेगा ही, और उस वक्त तुम भी हमारे अपार्टमेंट में आ जाना। मगर मैं इतने महंगे अपार्टमेंट में कैसे आऊंगी? उसकी टेंशन तुम मत लो, सियान तुम्हारी मदद कर देगा, तुम बस आकर एक काम करना, सबके सामने सियान को इस तरह से देखना जैसे तुम उसके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुकी हो, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। और हुआ भी वैसा ही, उन औरतों ने लालच के चक्कर में ज्यादा बड़ी शर्त लगा दी और वह सब इनके जाल में फंस गई और हार गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।